नमस्कार साथियों, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, ये वीडियो हम बहुत दिनों के बाद लेकर आए हैं और ये वीडियो हम बहुत ही अच्छे टॉपिक पर लेकर आए हैं और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। साथियों, मेरे पास एक प्रश्न आया है कि जो न्यू जनरेशन के जो बच्चे होते हैं वो विरासत में मिले हुए संस्कारों से वंचित क्यों हैं, तो इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिएगा साथियों, शेयर करिएगा और हो सके तो हमारे तिरछी बात चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथियों, नई जनरेशन के जितने भी हमारे आपके बच्चे हैं वो हमारे विरासत में मिले हुए संस्कारों से वंचित रह जाते हैं। इसका पहला कारण होता है मोबाइल। जो आपके पास मोबाइल होता है और जो आपके पास इंटरनेट है ये और टेलीविज़न है, ये चीज़ें आपके बच्चों को आपके संस्कारों से वंचित करने में बहुत बड़ा योगदान देती हैं। साथियों, बच्चे को मोबाइल, मैं ये नहीं कहता कि बच्चे को मोबाइल बिल्कुल मत दीजिए, बच्चे को मोबाइल दीजिए, टेक्नोलॉजी के साथ बच्चों को चलाइए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे को मोबाइल दे दिया फिर बच्चे की तरफ देखा भी नहीं। बच्चा मोबाइल पूरे दिनों दिन मोबाइल चलाता है, पूरे दिनों दिन मोबाइल में ही रहता है तो वो संस्कारों को प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि मोबाइल तो संसार होता है और जब बच्चे के सामने पूरा संसार है तो वो घर वालों की बात क्यों सुनेगा, क्यों घर वालों के पास बैठेगा, क्यों घर वालों की अच्छी बातों पर अमल करेगा, क्योंकि उसका दिमाग तो हमेशा ही फेसबुक, व्हाट्सअप और सोशल मीडिया और कंप्यूटर पर, इंटरनेट पर लगा रहेगा। तो साथियों, आपको पता भी होगा सोशल मीडिया पर जब बच्चा एक बार चला जाता है, हम और आप भी हैं, अगर हम फेसबुक और व्हाट्सअप चलाने लगते हैं तो 3 से 4 घंटे ऐसे ही निकल जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। तो ये सबसे बड़ा कारण होता है हमारे टाइम को बर्बाद करने का कि हम बहुत ज़्यादातर सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं। और हमारे बच्चे भी अगर फ़ोन और इंटरनेट पर एक बार लग जाते हैं तो वो भी इधर उधर देखना भी बंद कर देते हैं, घर वालों की बात सुनना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि इंटरनेट एक अथाह सागर है और इसमें जब कोई चला जाता है तो एक के बाद दूसरी बात, दूसरी के बाद तीसरी बात, वो इसमें घुसता ही चला जाता है और वो संस्कार वंस्कार तो छोड़िए, आप माँ बाप से बात तक करने में भी खुश नहीं रहता है, राजी नहीं रहता है। तो साथियों, एक जो कारण है आपका, मेन कारण है मोबाइल। मोबाइल बच्चों को दीजिए, मैं ये नहीं कहता कि आप टेक्नोलॉजी से बच्चों को दूर रखिए, लेकिन थोड़े समय के लिए, 1 घंटे के लिए, आधा घंटे के लिए अपने बच्चों को मोबाइल दीजिए, उसी में वो अपना जो भी कुछ चलाना देखना वो कर लेंगे। और उसके बाद उनके ऊपर ख्याल रखिए और उनको अपने पास रखिए और उनको अपने अच्छे अच्छे संस्कार दीजिए, क्योंकि मोबाइल में जब बच्चा रहेगा तो उसको क्या पता कि माँ बाप के ऊपर क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी हो रही है माँ बाप के साथ, क्योंकि वो तो अपनी दुनिया अलग बना चुका होता है, इंटरनेट के अंदर उसकी दुनिया अलग होती है, गेम खेलता है, उसके बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, तो वो घर की जो समस्याएँ होती हैं उनकी तरफ उसका ध्यान नहीं जाता है। और घर की जितनी भी समस्याएँ होती हैं उस बच्चे को वो समस्याएं अपने फ्रेंड्स और जो सोशल सर्कल होता है उसका इंटरनेट के ऊपर, उसके सामने वो बेकार लगने लगती हैं, तो वो अपने संस्कारों को वहाँ पे नहीं सीख पाता है। बहुत बड़ा बाधक इंटरनेट और आज का जो सोशल मीडिया है और जो ये फ़ोन है, इस पर जो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा चिपके रहते हैं तो वो अपने माँ बाप को टाइम नहीं दे पाते हैं, और जैसे ही बच्चे माँ बाप को टाइम नहीं दे पाते हैं तो माँ बाप के जो संस्कार हैं वो बच्चों के अंदर कैसे आएंगे। और दूसरा कारण क्या होता है साथियों, जब माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए दूर भेज देते हैं, तो पढ़ने के लिए जब दूर भेज देते हैं तो बच्चा एक अपनी अलग दुनिया बना लेता है और जितने उसको पैसे चाहिए होते हैं उतना माँ बाप से कह देता है। माँ बाप जद्दोजहद करके, कमा धमा के, कितनी भी मुश्किल से उन पैसों को भेजते हैं, उनको इस चीज़ का मालूम नहीं पड़ता है, क्योंकि वो घर से दूर रहते हैं, उनको इन चीज़ों के बारे में ज्ञान नहीं हो पाता है। और माँ बाप से जब वो बच्चे दूर रहते हैं तो वो माँ बाप के संस्कारों को भी नहीं सीख पाते हैं। तो साथियों, दूसरा सबसे बड़ा कारण ये था कि हम अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए दूर भेज देते हैं, और फिर बच्चे क्या करते हैं, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ जाते हैं और बड़ी बड़ी नौकरियों को प्राप्त कर लेते हैं तो अपने माँ बाप को ही अनाथ आश्रम यानी कि वृद्धाश्रम में डालने की कोशिश करने लगते हैं। साथियों, आपको पता भी होगा जितने भी गरीब बच्चे होते हैं जो अपने माँ बाप के पास पलते हैं, बड़े होते हैं, उनके माँ बाप कभी भी वृद्धाश्रम में नहीं जाते हैं। और जितने भी बच्चे बाहर पढ़ते हैं, जो बाहर उनको पढ़ाने के लिए भेजा जाता है, संस्कारों की वहाँ पे कमी हो जाती है। और ज़्यादातर केस आपको ऐसे ही मिलेंगे, जो बच्चे बाहर पढ़े हैं और बाहर पढ़कर बड़े हुए हैं, अमीर बने हैं, वही अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ते हैं। तो साथियों, ये भी एक मेन रीज़न होता है बच्चों के अंदर संस्कार नहीं आ पाते हैं। तीसरा सबसे बड़ा और मेन रीज़न जो होता है वो है कि हमारे देश में से गुरुकुलों की प्रथा खत्म हो चुकी है। गुरुकुल में हमारे वेद ग्रंथों का ज्ञान दिया जाता था और उन वेद ग्रंथों में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हुई होती थी जो हमारे जीवन को आगे कंट्रोल करने में, जीवन को सार्थक रूप से जीने में सहायक होती थी। तो आजकल क्या हो रहा है, बच्चों को कन्वेंट स्कूल में डाला जाता है, गुरुकुलों की शिक्षा बिल्कुल ही बंद कर दी गई है।
तो ये भी एक मेन रीज़न है कि हमारे माता पिता के संस्कार बच्चों में नहीं आते हैं, क्योंकि गुरुकुल में अगर हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो वहाँ पे वेदों की, शास्त्रों की, और जैसे गीता, रामायण, इन सारी चीज़ों का वहाँ पे ज्ञान कराया जाता है, और इन सारी चीज़ों में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं अपने परिवार को चलाने की और अपने देश को चलाने की, अपने समाज को चलाने की, और अपने माँ बाप के साथ किस तरह से व्यवहार किया जाता है, ये सारी बातें हमारे वेद ग्रंथों में, धार्मिक किताबों में सारी चीज़ें अच्छे से डिटेल में लिखी हुई हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में डालते हैं, और कॉन्वेंट स्कूल में डालते हैं उसके बाद परिणाम क्या होता है कि वो कॉन्वेंट स्कूल के जैसा ही सीखते हैं। हमारे बच्चे अपने धार्मिक ग्रंथों को नहीं पढ़ पा रहे हैं, धार्मिक किताबों का ज्ञान नहीं ले पा रहे हैं, वेद और अपने देश की संस्कृति को भी अच्छी तरह से नहीं जान पा रहे हैं। तो यह भी एक मेन कारण है कि हम अपने आने वाली जनरेशन को अपने संस्कार नहीं दे रहे हैं। तो साथियों, अपने बच्चों को कोशिश करिए धार्मिक ग्रंथों को पढ़ाने की, वेद पुराणों को पढ़ाने की, और गीता, भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता, रामायण, ऐसी से ऐसी चीज़ें जो अमूल्य भेंट हैं, जो हमारे देश का, हमारी संस्कृति का जो आधार हैं, मूल आधार हैं, उनका ज्ञान देने की अपने बच्चों को प्रयास कीजिए, जिससे क्या होगा कि आपके बच्चों का जो छठी इंद्रिय है वो जागृत होगी और वो समझेगा कि क्या समाज होता है, क्या परिवार होता है, क्या माँ बाप होते हैं, क्या भाई बहन होते हैं, और क्या रिश्तेदारी होती है, और क्या भाईचारा होता है। तो साथियों, मैंने प्रयास किया है यहाँ पे बच्चों का जो मेन फॉल्ट है उसको निकालने का। तो आपके बच्चों में जो संस्कार नहीं जा पा रहे हैं, इनके ये तीन मुख्य कारण होते हैं। एक तो सोशल मीडिया, यानी कि आप अपने बच्चों के हाथों में फ़ोन थमा देते हो और उसके बाद आप अपने बच्चों की तरफ देखते भी नहीं हो। दूसरा कारण ये होता है कि आप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए दूर भेज देते हो, तो दूर जब बच्चा रहेगा तो आपके संस्कारों को नहीं सीख पाएगा, वो हमेशा ही आपसे कटा कटा हुआ सा रहेगा। तीसरा कारण ये है कि हम जो हमारे धार्मिक ग्रंथ बनाए गए हैं, वेद पुराण बनाए गए हैं, जो हमें आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन प्रोवाइड करते हैं, मार्गदर्शन दिखाते हैं, उन्हीं धार्मिक ग्रंथों से हम अपने बच्चों को बहुत दूर कर लेते हैं। और ज़्यादातर प्रथाएं तो ऐसी चली हुई हैं कि अगर कोई बच्चा अपने वेद पुराणों को पढ़ता है, वेद ग्रंथों को पढ़ता है, तो दूसरे बच्चे उसका हंसी मजाक उड़ाने लगते हैं कि ये बनेगा पंडित। तो ये बहुत ही एक मार्मिक बात है। अपने बच्चों को अपना इतिहास बताइए और अपना जो वेद ग्रंथों का जो ज्ञान है उसको दीजिए, ट्रांसफ़र करिए, और अपना ज्ञान भी ट्रांसफ़र करिए। इसी से बच्चे, हमारे जो नॉलेज है, हमारे जो संस्कार हैं, उनसे नहीं कटेगा, उनसे बंधा रहेगा और जीवन भर हमारे साथ रहेगा, और जिस तरह का हम उन्हें बनाना चाहते हैं उसी तरह का वो बनके हमारे सामने उभर कर आएगा। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन हमारे तिरछी बात चैनल पर पसंद आई होगी। साथियों, मैं बहुत दिन में आज ये वीडियो लेकर आया था और मैं अब कोशिश करूंगा कि आपके सामने हर रोज़ यहाँ पे आने की कोशिश करूं, आने का प्रयास करूं, और यहाँ पे कुछ ना कुछ हम बैठकर किसी ना किसी टॉपिक पर चर्चा करें। और साथियों, जो भाई मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं या यूट्यूब पर देख रहे हैं, वो लोग अपना प्रश्न पूछने के लिए कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं और अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। कोई भी आपके दिमाग में अगर कोई प्रश्न है, याद ये रखना बस आप कि वो प्रश्न समाज हित में, जनहित में और राष्ट्र हित में होना चाहिए। अगर आपका प्रश्न अच्छा लगता है तो उस प्रश्न के ऊपर हम यहाँ पे वीडियो बनाएंगे और आपका नाम भी लिया जाएगा, और उस वीडियो के ऊपर हम आपके प्रश्न के बारे में पूरी तरह से यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो साथियों, मुझे उम्मीद है आपको एक छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्दी लेकर आऊँगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, और कोरोना बीमारी बहुत ज़्यादा फैली हुई है देश में, इससे बचकर रहिए, सावधान रहिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए। नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्दी लेकर आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।